मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम, जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है, उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे, एक ही स्वर था, वंदे मातरम, एक ही सपना था भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है, अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन, अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं।